गौरक्षा कमांडो फोर्स के सदस्य पहुंचे एसपी कार्यालय। गौरक्षा कमांडो फोर्स के अध्यक्ष का कहना है कि पुलिस द्वारा उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है एवं थाने में बिठाए रखा जा रहा है, साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी भी दी जा रही है। उनका कहना है कि पुलिस वाले उस किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं जिसके बारे में वो नहीं जानते। वहीं पुलिस वालों का कहना है कि युवक तुम्हारे साथ घूमता है, इसलिए तुम उसे लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। इसी की शिकायत को लेकर आज गौरक्षा कमांडो फोर्स के सदस्य पहुंचे एसपी कार्यालय। ज्ञापन इसे तारीख इसके बारे में देने आए हैं। क्या है, कल गोविंद यादव ने मुझे सिटी कोतवाली फ़ोन करके बुलाया कि आप से मुझे काम है, लकंजी थोड़ा यहाँ आ जाइए। मैं कोतवाली पहुंच गया उनके कहने पर। इसके बाद उनने मेरा मोबाइल ले लिया, मोबाइल बताना, मैंने उनको दे दिया मोबाइल देखने के लिए। इसके बाद उनने मोबाइल रख लिया अपना और उसके बाद मुझे अंदर बैठा दिया, कहीं आप यहाँ बैठो, अभी कहीं तुमको देखते हैं हम, तुम्हारे खिलाफ मुकदमे करने वाले हैं, तो मोनू रजक जो है उसको लेके आओ, नहीं तुम्हारे ऊपर हम FIR दर्ज करेंगे। जबकि वो व्यक्ति को मैं जानता नहीं हूँ। क्या है, मेरे संगठन में तो हजारों लड़के जुड़े हुए हैं जो सेवा का काम देते हैं। आता था मेरे पास सेवा करने, मुझे थोड़ी पता है कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसकी मुझे कुछ जानकारी नहीं होती हुई। इनने मुझे बेफजूल में सारे दिन कोतवाली के अंदर बैठा रहा और मुझे ज़बरदस्ती टॉर्चर भी किया गया और मुझसे कहने लगे अगर तू इसको लेकर नहीं आया, उसको बताया नहीं, तो तेरे खिलाफ़ इतनी FIR दर्ज करेंगे जो कि तुझे कोई छुड़ा नहीं पाएगा। तो इस वजह से मैं देने आया हूँ, गौरक्षा कमांडो फोर्स जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा गौ सेवा का काम है, धर्म का काम कर रहा हूँ और मुझे बेफजूल में टॉर्चर किया जा रहा है। SP महोदय से मेरा निवेदन है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।